तू अपने दिल में यही सोचता होगा कि डाकू का भेष हमने दौलत के खातिर अपनाया है। नहीं विष्णु मेरे भाई, जब इंसान के पास मजबूरी आती है तो मजबूरी में हर कदम अपनाने को। मजबूरी आ गई मेरे भाई, जो अपने इस काले धंधे को अपना। नहीं विष्णु नहीं, मैं वो कहानी तुझे कभी नहीं बतलाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ वो कहानी जानने के बाद तेरा दिल बदले की भावना में आ जाए। भैया बहुत मुश्किल के बाद तेरे बदन पे वर्दी देखने को मिल रही है, मैं इस वर्दी पे कोई दाग नहीं लगने दूंगा। तू जाकर अपनी ड्यूटी कर, छोड़ दे मुझे मेरे हालात पर विष्णु, और मेरे बढ़ते हुए कदम मत रोको भैया, और मुझे यहाँ से जाने दो मेरे भाई। अगर इस कहानी को अपने छोटे भाई विष्णु से नहीं बताओगे तो तुम्हारा छोटा भाई विष्णु क्या जानेगा। तो कसम तुम्हारे छोटे भाई, कसम देकर तूने मुझे मजबूर कर दिया भैया, तो सुन, तेरे बेबी जाने के बाद इलेक्शन का पीरियड आ गया था, जिसमें कि गांव वाले विश्वनाथ के जुर्म से परेशान होकर एक प्रमाशन मर गया। विश्वनाथ के खिलाफ गांव में किसी को प्रधानी नहीं, गांव वालों ने अपने दिल में सोचा और विचार किया कि बलवारी अनपढ़ जरूर है लेकिन उसे बात करने का ढंग तरीका कैसा है। गांव वाले सब अपने घर आकर कहने लगे, बलवारी तुम्हें इस बार विश्वनाथ के खिलाफ इलेक्शन लड़ना। अरे मुझे प्रधानी का कोई शौक नहीं था विष्णु, मैं तो मेहनत मजदूरी करके शाम तक रूखी सुखी खाकर अपना जीवन बिताता था भैया, मुझे प्रधानी का कोई शौक नहीं था। लेकिन तू तो जानता है औरतों के पास कुछ बुद्धि कम होती है, उसी बुद्धि का प्रयोग तेरी विष्णु मुझे प्रधानी पर खड़े होने पर मजबूर। जब ये बात लखपत वर्मा को मालूम हुई कि साल बनवारी हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, गांव में हरजनों की बत्ती ज्यादा है, हरजन सब एक हो गए हैं और एकता में बहुत बड़ी तब होती है। अगर गांव में बनवारी प्रधान हो गया तो गांव में हमारा बहुत बड़ा अपराध होगा। हराम जादे ने क्या किया भैया, क्या किया मेरे भाई, थाना कोतवाली मोहल्ले में पहुंचकर कुछ रुपए विक्रम सिंह को रिश्वत में देकर उसे खरीदा। अपने गांव में श्यामू काका को तू अच्छी प्रकार से जानता था भैया। मेरे भाई उन हराम जादे ने क्या किया, श्यामू काका के वहां डाका लगाया। उसी डाके में श्यामू काका का किसी ना किसी प्रकार से एक जूता मेरा चोरी करके श्यामू काका की लाश के पास पहुंचा दिया गया, ताकि पुलिस को पक्का साबूत मालूम हो जाए श्यामू का कत्ल करने वाला बलवारी है। जब ये बात विष्णु गांव वाले मेरे जूते को अच्छे प्रकार से जानते थे, लेकिन गांव वालों को इस बात को कोई पता नहीं था कि बनवारी के खिलाफ ये साजिश रची गई है, वरना गांव वाले अपनी जान को दे देते, ये कभी नहीं बतलाते जूता बनवारी। मालूम हुई तो उसने अपने दिल में सोचा विचार किया, मैं लगभग काका के पास जाऊंगी, उनसे खुशामद करूंगी, उनकी पहुंच थाने तक है, वो हमारे पति को छुड़ा।
विष्णु खुशर बुद्धा ने तेरी भाभी को दिलासा तो दे दिया, चलो हम इसी वक्त तुम्हारे पति को छुड़ाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ विष्णु। क्या मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ भैया? बेचा हुआ उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तुम जाकर अपनी ड्यूटी करो और मुझे यहाँ से जाने दो। हमने कह दिया कि उसके बाद कुछ नहीं हुआ। भाई उसके बाद क्या हुआ? तुमको कसम मेरी भाभी। विष्णु उस खुशर बुढ़ा ने रास्ते में तेरी भाभी को अकेली पाकर उन लखपत वर्मा की नीयत बदल गई। भैया दादे ने क्या किया? रास्ते में तेरी भाभी को और इतना ही नहीं मेरे भाई, विक्रम जो रस्सों में जकड़ कर मुझे कुत्ते के तरीके से पीट रहा था और तेरी बाबे पहुंच कर कहने लगे शान मेरी मदद कर, मेरे पीछे गुंडा लगाए। लेकिन विष्णु ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। क्या हुआ मेरे भाई? क्या हुआ भैया? विष्णु फिर वहां पे महाभारत हो गया भैया। अरे मेरी पापी आंखों के सामने तेरी भाभी की चक्कर। विष्णु अरे भाई तू ही बता, जिस आदमी की औरत की इज्जत उसकी नजरों के सामने लूट ली जाएगी वो दुनिया में जीकर क्या करेगा भैया? या तो खुदकशी कर लेगा या तो दुनिया को। लेकिन नहीं विष्णु, खुदकशी तो वो करते हैं जो कायर और जहिल होते हैं। यह सचमुच मर्द का बच्चा है तो दुनिया को आग लगा देगा। विष्णु खुदकशी का तो हमने फैसला अपने दिल से निकाल दिया और वादा किया जब तक अपने दुश्मनों को दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक चैन के साथ। मैं गुनहगार हूँ भैया तो डाल मेरे हाथों में हथकड़ी ले चल हवाला, हम सजा भुगतने के लिए